हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि हम लोग बैडकॉम ग्रुप को बाय कर ले क्या, अभी राइट टाइम है क्या। और काफ़ी यूट्यूबर अलग अलग वीडियो डाल के बोलते हैं ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अभी रिवर्स लेगा, दो दिन में अपर सर्किट लगेगा, चार दिन में लगेगा, और इसके कारण लोग टेम्प्ट हो जाते हैं बाय करने के लिए। काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इतने क्वांटिटी 50 लाख शेयर्स, 80 लाख शेयर्स कौन बाय कर रहा है, बाय तो कोई ना कोई कर रहा है, फिर हमारी गाड़ी छूट ना जाए, हम क्यों ना बाय करें। ऐसा सबको लग रहा है कि अगर हम लोग बाय नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट छूट जाएगा, जो ब्राइटकॉम ग्रुप में करोड़ों रुपए का होने वाला है। ये सोचकर काफ़ी लोगों के मन में सवाल है और डेली लोगों को लगता है कि मैं बाय कर लूँ क्या, बाय कर लूँ क्या। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कौन बाय कर रहा है और हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर कल के लिए, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्राइडे को जो मैंने जैकपॉट शेयर दिया था 20% अपर सर्किट में गया था, उसका नाम था लंबोदरा टेक्सटाइल्स। आज भी 3 जैकपॉट शेयर दिए थे, 2 गए अपर सर्किट में प्लस, 1 गया 12% प्लस। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप ट्राई कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये बाय कौन कर रहा है और बाय कर रहा है तो अपर सर्किट क्यों नहीं लग रहा है, कोई चुपके चुपके से बाय कर रहा है, ऑपरेटर आपका माल चुरा कर ले जा रहे हैं, ऐसे टाइटल डालकर यूट्यूब पर वीडियो बनाए जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को लगता है अरे भाई मेरी गाड़ी ना छूट जाए, मैं भी बाय कर लेता हूँ। मुझे ऐसे भी मैसेज आते हैं लोगों के कि सर मैंने आज बाय कर लिए, कुछ शेयर बाय किए हैं, डेली बाय कर रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मुझे लगता है इससे कम जाएगा नहीं, बाद में मिलेगा नहीं, मैंने बाय कर लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको शेयर भी कीजिए सब जगह पर, पूरा समझिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जब फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आया नहीं था, इसका न्यूज़ नहीं था, जब मैं भी बहुत ज़्यादा हर वीडियो में कहता था कि बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स देख के डिसीजन लेते हैं, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता है। जब फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट की बात आई तो उसके बाद मैंने बार बार हर एक वीडियो में यही कहा है कि आपको अगर लगता है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो आप बाय कर सकते हो। और मैंने हर वीडियो में ये भी बताया था कि सेल कर दो बाद में, जब शेयर देखिए जब 50-60 रुपीज़ से गिर रहा था, जब से मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि बेचते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, या अगर आपका लॉस है तो लॉस कम करने के लिए बेच दीजिए, बाद में नीचे से आप बाय कर सकते हो, पर लोगों ने बेचा नहीं। Q3 का रिज़ल्ट आया था, जब भी मैंने जो रिज़ल्ट आया था लेट नाइट को आया था, उसके बाद में सैटरडे संडे था बीच में, जब भी मैंने वीडियो का टाइटल डाला था गुड चांस टू सेल, उस दिन 41 रुपीज़ गया था, उसके बाद में कभी 41 रुपीज़ गया नहीं, उसके बाद में नीचे नीचे गया। मैंने क्लियर कट बोला था बेच देना, लोगों ने बेचा नहीं, उल्टा बाय कर लिया, ये सोचकर कि वही Q3 का रिजल्ट शानदार आया है, अब यहाँ से तो 60-70 रुपये जाएगा ही, हुआ उल्टा नीचे चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी चल नहीं रही है, कंपनी ख़राब है, बट अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रख के हमने सोचना चाहिए। अभी ये जो बाइंग चल रही है ये प्योरली रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, हर एक को ऐसा लग रहा है कि मैं एवरेज कर लेता हूँ, मैं बाय कर लेता हूँ, इससे कम में मिलेगा नहीं, ये सोच सोच कर रिटेल इन्वेस्टर डेली बाय करते जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए आप कॉमन सेंस की, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे इतना समझदारी नहीं है, काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, पर मैं लॉजिक से बात करता हूँ, मेरा सिंपल लॉजिक ये है, अगर इतना अच्छा इसका रेट मिल रहा है तो फिर शंकर जी शर्मा खुद क्यों नहीं बाय कर रहे, क्यों बाय नहीं कर रहे वो लोग, जब उनको पता है कि इतना सस्ता मिल रहा है, उनको लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फॉरेंसिक ऑडिट का कोई रिजल्ट ख़राब आने वाला नहीं है, तो शंकर जी शर्मा खुद क्यों नहीं बाय कर रहे। उनको भी पता है कि वो 20-25 लाख शेयर भी बाय करेंगे तो शेयर का प्राइस घूम जाएगा और उनका लॉस भी रुक जाएगा, फिर भी वो हिम्मत नहीं कर रहे। ये पहला हमारे लिए इंडिकेशन है कि शंकर जी शर्मा भी बाय नहीं कर रहे, उनका तो इतना पैसा फंसा हुआ है इसके अंदर, उनको अगर शेयर को घुमाना है तो उनको कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो 8-10 रुपये में 10 रुपये में शेयर मिल रहा है, बाय कर लेंगे वो 25-50 लाख शेयर तो कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर घूम जाएगा।
दस बीस लाख शेयर भी बाय करेंगे तो भी घूम जाएगा, फिर भी वो बाय नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, कंपनी बायबैक क्यों नहीं कर रही है? आप ये भी तो सोचिए ज़रा, कंपनी को नहीं समझ में आ रहा है क्या कि आज 10-12 रुपये में हमारा शेयर मिल रहा है, इतना सस्ते में मिल रहा है, आराम से 25 रुपये के हिसाब से बायबैक का स्कीम लाया तो, और 1-2 करोड़ शेयर भी बाय किए तो कंपनी का पैसा कितना जाने वाला है? 1 करोड़ शेयर बाय किए बायबैक में 25 करोड़ जाएंगे, 50 रुपये के हिसाब से भी बाय किए तो 50 करोड़ रुपये जाएंगे, तो क्यों नहीं बाय कर रहे हो लोग? आप ये भी तो सोचिए। तो जब कंपनी खुद बायबैक नहीं कर रही है, शंकर जी शर्मा का इतना पैसा फंसा हुआ है वो खुद बाय नहीं कर रहे हैं, तो वो हम लोग क्यों सोच रहे हैं बाय करने का बार बार? मेरा बार बार यही कहना है कि जब तक रिवर्स नहीं हो जाता है अच्छे से, 2-3 दिन अपर सर्किट मारने दो, कोई न्यूज़ आने दो, अपर सर्किट में जा सकता है शेयर, उसके लिए स्ट्रांग न्यूज़ चाहिए, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। अपर सर्किट में जाएगा शेयर, जब एक इसमें से कोई न्यूज़ आएगी तो जाएगा शेयर, मतलब उसको हम लोग बोल सकते कि हाँ भैया अभी जाएगा, नॉनस्टॉप ऊपर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ब्राइटकॉक ग्रुप में कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा है कि सपोर्ट पे से बाउंस मारेगा, तो ऐसा तो अभी 12 रुपये से मारना चाहिए था बाउंस, वहाँ पे भी तो अच्छा सपोर्ट था, उससे नीचे का क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो आप? पिछली बार भी तो बाउंस मारा था यहाँ से, फिर अभी क्यों नहीं मारा? क्योंकि अभी टेक्निकल काम नहीं कर रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है ब्राइटकॉक ग्रुप का शेयर, तो ये बात आप समझिए। जल्दबाजी करके आप पैसा ब्लॉक कर देंगे। अब जो लोगों ने 3-4 दिन पहले लिया था उनके भी मुझे मैसेज आया कि सर हमको लगा था यहाँ से बाउंस कर जाएगा, 12 रुपये से हमने ले लिया, आज 5% का घाटा हो गया, आप क्या करो? तो मैं क्या बताऊँ उसके ऊपर, आप बताइए मुझे। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, आप ये बात भी समझिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर सब जोर जोर से कूद रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया किसी, अरे भाई वो 31 मार्च का है, उसके बाद आ गया ये फॉरेंसिक का ऑडिट का सेबी का नोटिस आया, उसके बाद में तो लोअर सर्किट में चल रहा है, तो कोई बेच ही नहीं पा रहा है ना। वो समझो चाहे भी FII DII बेचना चाहे या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर बेचना चाहे तो कैसे बेचेंगे? बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा किसको भी, उनके पास इतनी क्वांटिटी होती है कि वो बेच भी नहीं पाएंगे वो। तो जब शेयर नॉर्मल ट्रेड करेगा, 2-4 अपर सर्किट मारेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें सच में तेज़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि जब भी तेज़ी आएगी हो सकता है उसमें से सबसे पहले ये लोग ही निकल जाए जो लोग इसमें फंसे हुए हैं। अगर ये लोग निकल गए तो क्या होगा? तो ज़रा सोचिए आप लोग, जल्दबाजी नहीं कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी चल नहीं रही है, कंपनी ख़राब है, बट उन पे अभी क्या निकल कर आता है, क्या उसका निष्कर्ष निकालती है सेबी उनके जवाबों का, ये काफ़ी फैक्टर्स है। बड़े बड़े लोग आप क्या समझते हैं, उनको ब्राइटकॉक ग्रुप का शेयर पता नहीं है कि वो बाय नहीं कर सकते? आज 2-2.5 करोड़ शेयर बाय करना 10 रुपये का, उनके लिए कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। 25-30 करोड़ लगाना, ऐसे बड़े बड़े शार्क बैठे हैं मार्केट में, सिंगल इंडिविजुअल लोग भी 25-50 करोड़ लगा देते हैं, तो वो लोग भी बाय कर सकते हैं, पर वो लोग बाय नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा आप भी सोचिए। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ऑपरेटर लोग उसको अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो उसका 10 रुपये के आसपास आ रहा है, जब एक बार घुमाने की कोशिश करें, जैसे कि फ्राइडे को किया था, आपने देखा था 12 रुपये पर क्या किया था, ये दो कंपनियाँ जो है मल्टीप्लायर शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड और टॉप गेन, ये दो कंपनियों ने क्या किया था, सोचा था कि यहाँ से घुमा देंगे, लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे, हम लोग फिर बेचकर निकल जाएंगे, इनका एक काम ही होता है। तो उन्होंने कोशिश की थी, ऐसा फिर से कोशिश हो सकता है उस लेवल पर हो, वहाँ से शेयर घूम जाए विदाउट एनी न्यूज़, सबको लगेगा अरे भाई अब यहाँ से तो अपर सर्किट ही लगेंगे, लोग ले लेंगे, वो 2-4 दिन उसको भगाएंगे, फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, फिर से आप फंस सकते हो। तो थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। कंपनी चल रही है, मैं आपको कंपनी के न्यूज़ भी बताते रहता हूँ, भाई क्वांटम टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कर रही है, कंपनी के ऑफिस का वीडियो मैंने आपको मंगाकर बताया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है, बट अभी सेबी के इंक्वायरी में और क्या चीज़ें खुलना बाकी है हमें पता नहीं है। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोगों को सब समझता है, CA लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, काफ़ी लोगों के कंसल्टेंट होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके कंसल्टेंट होते हैं, उनको नहीं समझता है क्या कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेबी का है तो सब छोटी मोटी बात है, ये तो निपट जाएगा, चलो बाय कर लेते हैं, लगाओ क्या पैसा? पर वो क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? आप भी सोचिए, आपका पैसा देखिए, छोटे लोगों के पास, छोटे इन्वेस्टर लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। पहले ही मुझे इतने मैसेज आते, इतना बुरा लगता है कि लोग पैसा फंसा के बैठे हैं, रोते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, ऐसे कितने मैसेज आते हैं मुझे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ भी लेवल पर यहाँ से बाउंस करेगा सोच के आप ले लोगे, फंस जाओगे, बेच नहीं पाओगे, पूरा बाउंस हो जाने दीजिए, एक तो अपर सर्किट मारने दीजिए, उसका कारण क्या हुआ हम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि बाय करना है कि नहीं करना है। एम ऑर्डर लगाकर बाय कर सकते हो, ऐसा तो ही नहीं कि एकदम ही भाग जाएगा,
ठीक है आप 10 रुपये में बाय नहीं करोगे, 15 में करोगे, 12 में करोगे, 13 में करोगे, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, बट एक बार बाउंस हो जाना दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। ये 80 लाख का वॉल्यूम कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि देखिए 10 रुपये का शेयर है, अभी 10 रुपये में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है, उनके पास रहते हैं 1-2 लाख 50 हज़ार, ऐसे बहुत लोग मिलकर लोग लेते हैं, बाय करते हैं, काफ़ी लोग शुरू डेली बाय कर रहे हैं, सोच करके मैं एवरेज करके बाय कर रहा हूँ, कब घूम जाए पता नहीं, तो ये सब बातें हैं, थोड़ा शांति रखिए, रिवर्स हो जाने दीजिए, टेक्निकल पे अभी शेयर काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट वपोर्ट बोलने की बातें हैं कि ये सपोर्ट है नेक्स्ट, वो तो ठीक है टेक्निकल सपोर्ट है नो डाउट, बट उस पर टिकेगा कि उसके नीचे जाएगा हमें कुछ पता नहीं है, तो ऑपरेटर लोग भी एक्टिव हो सकते हैं, वो फंसा सकते हैं, 2-4 दिन अपर सर्किट लगवाएंगे, फिर लोग जो रिटेल इन्वेस्टर कूदेंगे वो खुद ही प्रॉफिट ले लेकर निकल जाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे, ये बातों का ध्यान रखिए, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे कोई अगेंस्ट नहीं हो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पहले ही लोग इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लॉस में हैं, तो लॉस मत बढ़ाइए इतने हाथ जोड़ के, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। काफ़ी यूट्यूबर ये भी कहते हैं भाई अरे क्या हो गया, प्रोमोटर्स ने माल बेच दिया तो क्या गुनाह किया, बेच दिया तो बेच दिया, उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो दूसरे यूट्यूबर का देखा था मैंने एक वीडियो, उसने कहा अदानी जी ने इतना लोन उठा लिया और ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रोमोटर ने बेचारों ने अपने शेयर्स बेचकर कंपनी को लोन फ्री कर दिया। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, तुमको पूरा स्टोरी पता नहीं है, बैकग्राउंड पता नहीं है, अभी अभी ब्राइटकॉम ग्रुप को कवर कर रहे हो, 2-4 साल का पूरा हिस्ट्री देखो तो समझ में आएगा। और सबसे बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो जो रियल में बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि रियल प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण ये लोग बाय नहीं कर रहे हैं, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, जो लोग काफ़ी थरोली एक्सपर्ट होते हैं मार्केट में उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है जिसके कारण वो हाथ नहीं डाल रहे अभी, तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा वेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिस्क ले सकते हो, जैसे काफ़ी लोग बाय कर रहे हैं रिस्क लेकर, तो आप कर सकते हो, एवरेजिंग भी कीजिए, बाइंग भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अभी भी रिक्वेस्ट यही रहेगी थोड़ा रिवर्स हो जाने दीजिए, देखते हैं उसके बाद बाय करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। बाकी देखिए कंपनी चल रही है, कंपनी एक्टिव है, कंपनी में एम्प्लॉइज़ है, ये सब अच्छी बात है, बट सेबी की ओर से एक्शन क्या होगा उसका हमें पता नहीं है, उसी का थोड़ा डर लगता है। बाकी कंपनी चल रही है, कंपनी नए नए जगह पे जाती है, और अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी में गई है, तो कंपनी ने अपना प्रोग्रेस कम नहीं किया है, बट ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है सब, एक जो उल्टा सुलटा करके रखा हुआ है रिपोर्टिंग बेस में, उसमें उसमें क्या निकल कर आएगा ये हमें पता नहीं है, अभी कंपनी का रिजल्ट जो जवाब आएगा वो जल्दी हमें पता चलेगा, कुछ दिनों में आएगा, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न को मार्केट ने पॉजिटिव लिया नहीं है, क्यों नहीं लिया है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखना। थैंक यू फ्रेंड्स।